हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे सीमा दीक्षित ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। देखिए राजमा और आलू, तो मैंने कहा राजमा देखिए भिगो दिया है, रात को दिया था, सुबह में देखिए इस तरह हो गया है। तो मैंने सबको धो धो के रखा है। सब आलू के सब बनाऊँगी, आलू और राजमा का सब्ज़ी। मैं ऐसे बनाते रहती हूँ हमेशा, तो मैं सब्ज़ी क्यों ना आज वीडियो में शेयर किया जाए आप लोग से, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ राजमा चावल। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ दो तीन दिन पे। और किसी को मेरे घर में पसंद नहीं है, बस मुझे ही पसंद है। तो चलते हैं, तो उन लोग के लिए मैं आलू डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ। उन लोग आलू खा लेते हैं, मैं राजमा खा लेती हूँ। उसी में राजमा आलू ज़्यादा बनाती हूँ, राजमा खाली कम बनाती हूँ। राजमा ज़्यादा मैं राजमा आलू ही बनाती हूँ, राजमा सब्ज़ी खाली ऐसे नहीं बनाती हूँ। और एक दिन मैंने बनाया था राजमा का पराठा, पर नहीं अच्छा लगा मुझे। कभी आपको शेयर कर दूँगी राजमा पराठा किस तरह बनता है, पर अच्छा नहीं लगा मुझे। और देखिए मैं इसको उबालूँगी अभी। और देखिए मैंने टमाटर, एक बड़ा टमाटर लिया है, दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं, लहसुन, मिर्ची, अदरक। तो मैं सबको धो धो के निकालने वाली हूँ। सबको मैंने छील लिया है और धोना है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी अभी। तो देखिए मेरा प्रेशर कुकर, और इसमें देखिए मैंने डाल दिया दोनों, थोड़ा डालूंगी नमक और फिर पानी। तो देखिए नमक से क्या था, जल्दी मतलब ये उबल जाता, जल्दी सीज जाता है। तो मैंने इतना सारा नमक डाल लिया इसमें, तो डालने वाली पानी। तो देखिए मैं पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा ही डालना, थोड़ा सा डालना उबलने में। समय हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये आधा नमक छोटा छोटा मगे मैंने इसमें आधा नमक पहले पानी डाल दिया। तब मैं इसको बंद करके गैस को चढ़ा देती हूँ। तो देखिए मैंने गैस को चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया है बंद करके। इसको मैं 10 मिनट तक मैं इसको उबालूँगी, रस निकाल दूँगी। और फिर देखिए मेरा इधर ये, इसको मैं धो धो के निकाल देती हूँ। फिर इसको सबको पीसना है, काटना कूटना है। दो प्याज, एक बड़ा टमाटर, अदरक, लहसुन, देखिए मैंने सब निकाल लिया। अब मैं इसको कूटूंगी अदरक को। देखिए इतना मैंने अदरक डाल दिया है। ये दो प्याज है, तीन मिर्ची डाली है, तीखी वाली मिर्ची, ऐसे मिर्ची पाउडर भी डालना है। इसलिए मैंने देखिए इतना अदरक है, तो मैं इसको सबको कूट लूँगी, तीनों को। इसको काटना है, इसको काटना है। आप इसको पीस के बना सकते हैं, तो मैं पीस के बिस्कुट कभी कभी पीस के ही बनाती हूँ, पर मुझे पीस के इतना मतलब मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। तो आपको बनाना होगा तो आप बनाइएगा, पीस के कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तब एक दो बार आपको अच्छा लगेगा पीसा हुआ, बाद में फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं पीस के नहीं बनाती हूँ। एक बार दो बार बनाई थी, पर अब नहीं बनाती। कभी कभार अगर मेरा बहुत टाइम रहा, फ्री रही, तो मैं पीस के बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। पीस के क्या होता है, मतलब पीस के क्या होता है, मतलब इसका जोर होता है, मतलब रस वो गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग मसाला पीस के डालते हैं कोई भी सब्ज़ी में, छोले हो, राजमा के सब्ज़ी। तो मैं पीस के नहीं, काट के डालूंगी। तो मैं दोनों को काट के फिर सब पीस के मतलब कूट के आपको दिखाती हूँ। कूट के सारे मैं खल में कूट के बाद में इसको वो करूँगी, ये सारे मसाला भी मैं डाल दूँगी। कूट के फिर सारे मसाला डाल दूँगी, पहले मैं इसमें आधे कूटूँगी। कूट के तो आपको बाद में दिखाती हूँ, सब कुछ कूट के और सारा मसाला डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सब काट के तब तक ये भी उबल जाएगा, फिर उबल के कैसे उबल के कैसा दिखता है मैं आपको उसे भी दिखाती हूँ। तब देखिए मैंने आलू उबल लिया है, और ये काबली सॉरी राजमा देखिए किस तरह दिख रहा है, पूरा लाल लाल अच्छा दिख रहा है। इसका पानी तो और लाल लाल था। पानी को आप फेंक भी सकते हैं, नहीं तो डाल भी सकते हैं।
तो मैं पानी को फेंक देती हूँ, क्योंकि इसमें आम डाली थी तो आलू का जो कचरा होगा उसमें चला गया होगा, उसमें पानी फेंक दी। तो अगर आप खाली राजमा बनाते हैं तो पानी नहीं फेंकिएगा, वही पानी इसमें डालिएगा। तो मैंने आलू मिक्स किया इसलिए इसका पानी फेंक दिया मैंने, देखिए इस तरह आलू। और देखिए मैंने इधर प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया, और देखिए मैंने इसको भी कूट लिया है, और इसमें सब हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर दिया है। चलते हैं गैस ऑन करते हैं, तेल डालूंगी सरसों का। देखिए मैंने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो इसमें डालेंगे जीरा, आप पचफोरन भी डाल सकते हैं, मैं पचफोरन भी डालती हूँ, थोड़ी बार ताजी जीरा डाल रही हूँ, तो इतना मैंने जीरा डाल दिया है। अभी तेल गर्म नहीं हुआ था, तेल गर्म होने दीजिए तब डालिएगा, तेल गर्म होने तक वेट करते हैं। तो देखिए लग रहा है हमारा तेल गर्म हो चुका है, और उसमें देखिए जीरा पकने लगा। तो जीरा पक रहा है तो हम इसमें प्याज डालेंगे, जीरा पक चुका है इसमें प्याज डालेंगे। मैंने देखिए इसमें प्याज डाल दिया सब, अब इसको भूनना है पूरा भूरा होने तक। तो पूरा भुना जाएगा तो टमाटर डालने का मतलब दिखाऊंगा। हमारा प्याज भुना गया है, प्याज पूरा भूरा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। देखिए मैं नमक डाल दिया, टमाटर को गलने तक पकाना है। थोड़ा सा भुना गया, अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। और फिर इसको भी भूनना है, मतलब फिरना छोड़ दे। अब मतलब प्याज के साथ भी डाल सकते हैं मसाला, पहले प्याज फिर मसाला और मैं टमाटर। तो मैं पहले वैसे ही बनाती थी, लेकिन मैं एक दिन इससे बना कर देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले प्याज फिर टमाटर फिर मसाला, तो इसलिए मैं आज मैं इस तरह ही बना रही हूँ। वैसे आपको सुविधा होता है बस में सकते हैं, पहले प्याज मसाला या प्याज टमाटर मसाला, तो कैसे ही बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा भूनने देते हैं, ढक देते हैं थोड़ी देर, उनको थोड़ा उभार के देख लेते हैं। देखिए वाला इस तरह तेल छोड़ गया है, अब आग को तेज कर देती हूँ। मेरा तेल छोड़ दिया गया है, हमें पूरा इसमें डाल देंगे। ऐसे क्या होता है, प्याज भी गलेगा टमाटर दोनों गल जाता है, और ऐसे मिक्स हो जाता है। डाल दें, अब मैं इसे डाल दूँगी
ये वाला पूरा। आप चाहे तो इसको अलग से पहले फ्राई कर सकते हैं आलू को, वैसे ही बना के आपको कभी दिखाऊंगी अलग से को फ्राई करते हैं, लेकिन आलू साफ में बना लेते हैं। बहुत तरीके से बनता है ये, अब बिना उबाले ही बना सकते हैं, अभी उबाल के थोड़ा टेस्टी आता है बिना उबाले के रखा है। थोड़े से भूनने देते हैं, इसमें पानी डालेंगे तो आपको दिखाऊंगी। बना चुका है तो ये आलू देखिए तो लाल हो चुका है, तो ले लेंगे आलू को। क्या होगा मतलब कि गाढ़ा होगा आलू, उसको पानी डाल दूँगी, मसाला वाला था मैंने उसमें पानी डाला है, इसको पानी डालना आपको डाल सकते हैं, चावल में खाऊंगा तो ज़्यादा पानी डालेंगे। ये रस वाला अच्छा लगता है, इसी रस वाला बना डाले, आप ऐसे लट्ठू भी बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है। देखिए डाल दिए थोड़ा, देख रहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको मैं ढक दूंगी और पानी डाल देती हूँ, इसको ढक देती हूँ, फिर ढक के आपको जो डालूंगी गरम मसाला तो दिखाऊंगी। गरम मसाला मैंने मसाला में भी डाल दिया और बाद में ऊपर से थोड़ा खोलने के बाद भी डालना चाहिए, तो थोड़ा टेस्ट आ जाता है, तो बाद में मैं खोलने के बाद ये डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारा राजमा खोल चुका है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, इतना डाल दी थी गरम मसाला और मैंने करी डाल दिया है, अब थोड़ा सा और खोल जाएगा इसको, अभी तेज आँच का भी कम आँच कर देंगे इसको, फिर देर तक रखेंगे ये बंद करने का। धनिया पत्ता इसमें डाल सकते हैं, धनिया पत्ता बस नहीं था मैंने नहीं डाला, धनिया पत्ता डालने से थोड़ा स्वाद आ जाता है। तब ये 5 मिनट तक खोलाएँगे इसको, फिर आपको मतलब उसको उघाड़ के नहीं देखना है, आँच कम कर देना है, तभी जब मैं सब करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो देखिए हमारा बन के राजमा तैयार है, ये देखिए मैं रस वाली बनाई है, मैं चावल में खाऊँगी इसलिए, रोटी में आप लटपट बना सकते हैं, पूरा गाढ़ा बना सकते हैं, तो मैं इसको सब करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा राजमा चावल तैयार है, मैंने चावल के साथ सब किया है, आप कैसे भी खा सकते हैं। देखिए ये पूरा राजमा है, पूरा राजमा चावल है, तो आप इस तरह बनाइएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आ रही है मैं खाने, तो आइए आप लोग भी खाइए। बाय, अगली वीडियो में मिलती हूँ।